सभी अन्य बहनों को फिर से नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों स्क्रीन पर देख ही रहे हम लोग किस टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं, तो चलिए बिना समय के बाद वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं। जो विदेशी एनएम 10709 केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट से क्या अपडेट निकल के आई है, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों देख लीजिए विदेशी एनएम 10709 सुप्रीम कोर्ट केस अपडेट 32127 एनएम बहनों के लिए खुशखबरी। अब काउंटर समय से होगी सुप्रीम कोर्ट में। सुरजीत सर अभी अभी मैसेज के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट केस के बारे में 32127 एनएम बहनों को अपडेट दिए हैं। जो लोग सुबह से झूठ बोल रहे थे सभी का झूठ फिर से पकड़ा गया, जानिए पूरी जानकारी जल्दी से। और इस तरह देखिए सर मैसेज किए हैं, ठीक है मैसेज हम आपको लगा दिए, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में वन बाय वन करके डिटेल्स में बता रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। ये तो दूसरा ये पहला मैसेज ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे आपको दिखेगी। देख लीजिए यही वास्तविकता है कि अपने ग्रुप के सक्रिय मेंबर अरविंद सिंह से मदद के रूप में काउंटर फाइल हेतु अर्चना जी द्वारा सहयोग मांगी गई, जिसमें उन्होंने अपने बेटे प्रशांत कुमार से 25,000 ऑनलाइन उनके वकील को भेजे हैं, क्योंकि उनको समझाया गया एक अपने प्रबुद्ध ग्रुप के सक्रिय साथी द्वारा कि अर्चना काउंटर नहीं करेगी तो केस की सुनवाई नहीं होगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि केस अंजलि का है, पेटिशनर अंजलि है और रिस्पोंडेंट चार है, यानी अर्चना कुमारी, उषा कुमारी, पिंकी कुमारी एवं बीना कुमारी, जिसमें से दो यानी बीना कुमारी और पिंकी कुमारी की काउंटर फाइल 24/9/2024 को ही अपने वकील सम्मान वर्धन गौतम सर द्वारा कर दी गई थी, जो कोर्ट के ऑर्डर में निहित है, तथा अर्चना जी का वकील दिनांक 18/10/2024 की काउंटर हेतु रजिस्ट्रार के यहाँ सुनवाई में 4 सप्ताह का समय मांगे थे कि मैं 4 सप्ताह के अंदर काउंटर फाइल कर देंगे। उसी काउंटर फाइल हेतु उन्होंने एक अपने सहयोगी के कहने पर अरविंद सिंह ने सहयोग किया है। जो सहयोग राशि भेजी गई है वह अरविंद जी के बेटे का है, का नाम प्रशांत कुमार है, जिसमें खुद अर्चना जी द्वारा अरविंद जी को धन्यवाद दिया गया, जिसकी प्रूफ खुद अर्चना जी की है, वह साक्ष्य भेज रहा हूं। इसमें मदद की गई तो इसके लिए हाय तोबा, ठीक है आगे देख लीजिए। लोग हाय तोबा मचा रहे हैं, देखिए हाय तोबा इसमें मदद की गई तो इसके लिए हाय तोबा मचाने की क्या बात है। जो लोग उल्टा सोच वाले होते हैं उनके माइंड में हमेशा पप्पू जी उल्टा ही चलता है। देखिए सर लिखे, ठीक है जिससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने केस पे फोकस कर रहा हूँ, मुझे अंजलि जी से लड़ाई है क्योंकि उनके तरफ से दो अच्छे सीनियर वकील रखी गई है, उसकी जवाब मेरा प्रबुद्ध ग्रुप की तरफ से दो अच्छे सीनियर और एक मेडिकल क्लास और 4 जूनियर रखे हैं, जिसमें सीनियर अमल लेखी सर, देवदत्त कामत सर एवं मिडिल क्लास के सम्मान वर्धन गौतम सर को रखा है, जो आजकल ऑर्डर पे स्टे नहीं लेने दिया जी धन्यवाद के पात्र हैं। और उम्मीद भी है कि जीत प्रबुद्ध ग्रुप के बदौलत ही 32127 एनएम बहने की 2018 के रूल से होगी। इसी के साथ सभी भाई बहन को क्रांतिकारी अभिनंदन धन्यवाद। सुरजीत कुमार संयुक्त मंत्री, हम क्या बोले सांच के आज आने आज नहीं आता, ये बात हमेशा याद रखिए। तो कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है वो तो फर्स्ट मैसेज था, ये सेकंड मैसेज है। देखिए सेकंड मैसेज में क्या लिखे हैं, आप लोग समझ ले मैं पहले से ही सारी बातों से अपने वकील को अवगत करा दिया हूँ कि केस की रिस्पोंडेंट नंबर 1 यानी अर्चना कुमारी एवं रिस्पोंडेंट
तो यहाँ भी रिस्पोंडेंट होगा, थोड़ा सा छूट गया। रिस्पोंडेंट नंबर वन यानी अर्चना कुमारी एवं रिस्पोंडेंट टू उषा कुमारी दोनों क्वालिफाइंग है, जिन्हें 2018 एवं 2023 दोनों नियमावली से भविष्य सुरक्षित है, यानी यानी दिनों से नौकरी उन्हें मतलब दोनों तरफ से नौकरी उन्हें होगी, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ 2018 के रूल पर फोकस कर बहस करनी है। हाँ, ये भी आपका कहना सही है कि क्वालिफाइंग के तरफ से सुधांशु जी और शेखर जी भी बहुत मजबूती के साथ केस लड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अच्छे वकील भी रखे हैं, इसीलिए मैं भी सुने प्रबोध ग्रुप के क्रांतिकारी सुने प्रबोध ग्रुप के क्रांतिकारी भाइयों एवं बहन एवं पप्पू यूट्यूबर जी की मदद से दो दो सीनियर वकील, ठीक है, एक मिडिल मीडियम एवं चार जूनियर रखा हूं, और कोई जीत के लिए पॉइंट नहीं छूटी है। मतलब सर यहाँ पे कह रहे हैं, ठीक है, तो देखिए प्रबोध ग्रुप के भाइयों एवं बहन पप्पू यूट्यूबर जी की मदद से दो दो सीनियर वकील रखे हैं और मिडिल क्लास के चार एडवोकेट रखे हैं, ठीक है, और एक एक पॉइंट हम लोग नोट किए, एक भी पॉइंट नहीं छूटा है जिससे हम लोग केस हार जाए, ठीक है। अंत में जरूर कहूंगा, अगर केस 18/10/2024 की रजिस्ट्रार के यहाँ सुनवाई हो जाती, अगर समय नहीं लिया जाता तो अब तक आप लोग की खुशी मिल जाती, इसीलिए मैं भी अपने एक तरीके लगा दिया हूँ, जीत सुनिश्चित है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है, समझे। धन्यवाद सुजीत कुमार संयुक्त मंत्री। ये दो मैसेज हुआ, आप समझ में आ गया, समझे कि नहीं। तो लोग क्या कर रहा हम लोग के बारे में, हम लोग को उसे कोई मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना बच्चे के लिए हम लोग काम करते हैं, गलत चीज हम लोग काम करते नहीं, और ये तो हम आपको बता ही दिए थे। जो खुद अर्चना कुमारी जो है, नंबर भी आप मिला लीजिए, मैसेज करके इसको जो है, ठीक है, साक्ष्य दिए हैं। देखिए अभी अभी वकील साहब को 25,000 भेजा गया है, जो अरविंद जी के द्वारा दिया गया है काउंटर फाइल में सहयोग करने हेतु, आप लोग सभी इनका तहे दिल से धन्यवाद दीजिए। सत सत होता है, बिल्कुल ठीक है, होता है, सत की ही विजय होती है। जो लोग भी अभी तक दूसरे को सहयोग किए थे, आज वो हमें सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि सत के राह पर चल रहे हैं हम। बार बार यह चीज बोलते हैं, जो सत परेशान होता है बट पराजित नहीं। नंबर मिला लीजिए, यही है, देख लीजिए, ठीक है, पेमेंट का जो है स्क्रीनशॉट, और इसको समझे कि नहीं, साक्ष के साथ इसलिए भेजे हैं, जो हाई तो वाले लोग मजा रहे थे, लोग जो है ना इसका क्रेडिट ले रहे थे, समझे। तो पता चल गया किनके द्वारा ये पैसा भेजा गया है, ठीक है, कौन ग्रुप के द्वारा मदद किया गया है, तो इसलिए अर्चना कुमारी जो है ये मैसेज डाली है, ताकि लोगों को पता चल जाए। तो हम लोग के द्वारा कभी, ये भी आप लोग जान लीजिए, झूठ नहीं बोला जाता है, कभी सोशल मीडिया पे झूठ नहीं परोसा जाता। 35,127 अन्य बहनों के लिए हम लोग के ग्रुप काम करती है, प्रबुद्ध ग्रुप, ठीक है, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, अगर ये 18 को समय नहीं लिया जाता ना, अभी तक खुशखबरी मिल जाती, अभी तक केस क्लियर हो जाती, समझे, सुप्रीम कोर्ट से हम पहले ही बता दिए थे, पर समय ले लिया गया, समझे कि नहीं। तो हाई तोबा मचाने से कुछ नहीं होगा, सोशल मीडिया पे 10 बजे, ठीक है, 10 बार लाइव आने से कुछ नहीं होता, ये बात आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि हमें केस जीतना है, हमें बच्चों को फ्यूचर देखना है, 10 बार हमें लाइव आने से कोई फायदा नहीं है, ये बात आपको भी पता होना चाहिए। आज तक पिछले 2 साल से लेके अभी तक जो भी मैसेज मेरे द्वारा बताया गया है, एक भी मैसेज गलत नहीं बताया गया, ठीक है, सुजीत सर भी मैसेज के माध्यम से आपको क्लियर किए हैं, इसलिए हमेशा समझिए, जो हम लोग के द्वारा जो भी मैसेज दिया जाता है, ये आप लोग के लिए जो है सही और ऑथेंटिक न्यूज दिया जाता है, कभी गलत न्यूज हम लोग के द्वारा नहीं दिया जाता, ठीक है। सुजीत सर 2 मैसेज के माध्यम से आपको क्लियर कर दिए, ठीक है, 100% सुप्रीम कोर्ट से हम लोग को जीत हो रही है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं, नहीं आपको परेशान होना, जिसको जो बोलना है, जिसको जो करना है करने दीजिए, साक्ष आपको दिखा दिए पूरा, समझे, पूरा साक्ष हम आपको दे दिए, जो कौन किसके द्वारा पेमेंट भेजा गया है, कौन ग्रुप के द्वारा हेल्प किया गया, ठीक है, और अर्चना कुमारी खुद इसको क्लियर किए, समझे कि नहीं। इसीलिए अब भी आपको अगर दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब केस सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो जाएगी तभी आप लोग मानेंगे, समझे। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन पर शेयर कीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नाइट में 9 PM में, फिर से हम आपको लाइव क्लास के साथ, सभी लोग 9 PM में लाइव आना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।